अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज नर्सरी क्लास का जो नेक्स्ट वर्ड है उर्दू की बुक का, हम पढ़ेंगे बे, जिसकी साउंड है ब। और सबसे पहले आप ये देखिए इसकी शेप कैसी है और इसके नीचे कितने नुक्ते होते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। सब बच्चे मेरे साथ जिसके साथ रीडिंग करें। बा बत्तख, बा बिल्ली, बा बकरी। दोबारा से सब पढ़ें। बा बत्तख, बा बिल्ली, बा बकरी। दोबारा से सब पढ़ें। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, सब रिपीट करें मेरे साथ। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक। बा बत्तख, बा बिल्ली, बा बकरी। अब कॉपी पर आ जाइए, ये देखें कॉपी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बा बिल्ली, बा बल्ला, बा बंदर। अभी मैंने आपको बताया था बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक। ये बे की शेप बनी हुई है और इसके बाद इसकी छोटा सा इसकी छोटी शक्ल भी बनी हुई है, ये देखें। इसकी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ये देखिए, और इसके नीचे कितने नुक्ते मैंने डाले हैं, एक। और इसकी छोटा सा इसका जो बेबी हम बनाएंगे, इसकी जो छोटी शक्ल बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये देखिए, और इसके नीचे भी एक छोटा सा नुक्ता। ये हमारा बे की शक्ल बन गई, ये बे और ये बे का छोटी शक्ल। पहले हमने इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम खुद से लिखना है बे। अगर किसी बच्चे को बे लिखना नहीं आता तो उसको लिखने का क्या तरीका है, एक ऑलरेडी यहाँ पे डॉट डला हुआ है, इनिशियल डॉट आपका डला हुआ है, और एक थोड़े से गैप पर हमने यहाँ पर एक और डॉट डाल दिया। अब हम ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा नीचे लेकर आए, ये ऑलरेडी लाइन डली हुई है आपकी, लाइन के ऊपर 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 लेकर लिख गए और ये हमने थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, ये देखें कि हमारी बे की शक्ल बन गई। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से ऐसे और ऐसे, ये देखें कि ये शेप ठीक नहीं है आपकी। यहाँ से आपका हल्का सा राउंड होना चाहिए। और इसके नीचे डॉट कितने डालेंगे, एक। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक। बे का बेबी कैसे बनाएंगे, दोबारा से देख लीजिए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये थोड़ा सा गोल बनाकर नीचे, और बी के नीचे बेबी के नीचे कितने नुक्ते हैं, एक। ठीक है, इस तरह से आपने सारी प्रैक्टिस करनी है और जो नेक्स्ट पेज में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है 3 times। मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ। बा बाजा, बा बत्तख, बा बाजा, बा बत्तख। और ये देखिए आपने इसमें यहाँ पर भी 3 times प्रैक्टिस करनी है, ये देखिए 1 time। इसके नीचे नीचे पूरा एक एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे हम, ये देखिए 1 2 3 4 5 times। इसी तरह से आपने यहाँ पर बे लिखना है, ये देखिए, और इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे बे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी राइटिंग बहुत प्यारी भी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लिखना आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे नीचे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी। अब मैं आपको कलरिंग का भी बता देती हूँ मैं, ये देखें इसमें प्यारी सी बिल्ली बनी हुई है, इसमें आप लाइट ब्राउन कर सकते हैं कलर। ये बल्ला बना हुआ है, इसमें आप यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में आप येलो कर सकते हैं और ऊपर आप ब्राउन कर लें। और ये बंदर है, बंदर में आपको पता है लाइट ब्राउन कलर कर लेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर ये बना हुआ है बाजा, बाजा में भी आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, आप इसमें ब्लू भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं। और ये प्यारी सी बतख है, इसकी जो चोंच है उसमें आप रेड कलर कर लें, इसकी आईज में आप ब्लू कलर कर लें, इसके जो फीट्स बने हुए, इसके जो पाँव हैं उसमें आप ब्राउन कलर कर लें, और बाकी की ये बतख में आप येलो कलर कर लें। इससे आपकी कॉपी इतनी प्यारी लगेगी, इतना अच्छा लगेगा आपका काम। और इस तरह से ये आपका आज हमने बे वाला काम भी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छा और बहुत प्यारा काम कर लिया। थैंक यू, शुक्रिया।